आज बता दी जाएंगी, एक लक्ष्मी, एक महामलक्ष्मी और एक होते कुलक्षणी। तो ये कुलक्षणी है, इनका डराई नहीं चल रही, दबदबा रहा है और जहाए जा। महामलिच्छनी यारी मुंडहवा का है, कुलच्छनी मुंडहवा। हम का हर है, हम का धन, हम का तोहर। तुझको मैंने बोला था, तुझको मैंने समझाया था कि मेरे पीठ पीछे महारानी देखो, मार महामार गोली गिर के टेंट को देखो। रात भर में सारी ठंडी दूर कर दूंगी, दूर काहे की कलावती नाम हमा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। दबदबा 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 है, समझदार समझ ली। और दबदबा हमेशा कायम रहना चाहिए, नहीं बिल्कुल। और मैं चलती हूँ, तुम चलो, कसम हमारी कजरा की, कजरा की। अगर तुमने कुछ खुरा बात किया ना, तो बेटा समझ लो, अरे नहीं, अरे यार ये महारानी है कि जेल के छुरी हरी आए, हम बताओ दबदबा है दबदबा रहेगा। मोर भैया यही तरह के मेहरारू यही घर घर बिगाड़े वाली है, अगर यही तरह के मेहरारू मिल जाए तो पूरा घर सत्यानाश। लेकिन गाना कौन तरह गाव थी, मनसेधु के याद में, भाई मनसेधु लुधियाना में, लेकिन कहा कहाँ है कि कतौ होई है सड़क पर लखते होई है, कतौ होई है पर लखते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। भाई लाली लिपटी लगा के घूमते हैं, लेकिन कह रहे कतो हुई है और गले डाल के रुमलिया खसते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। की पत्नी हूँ, मेरा नाम रूपा है, मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर की अपनी ड्यूटी करती, कई महीने हो गए वो घर नहीं आए, मैंने उनको पत्र लिखा है कि मुन्ना हुआ है आप घर आ जाइए, और पता चला है कि वो आज घर आने वाले हैं, और जब से मैंने सुना है कि वो घर आने वाले हैं तब से मैं उन्हीं की ही राह देख रही हूँ, मैं सोचती कितनी जल्दी हो जाए। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया
आखिर बात क्या है रूपा? अरे हम भी तो जाने कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है। चलो ठीक है, अगर बात नहीं करनी है तो मैं अपने ड्यूटी पे वापस जा रहा हूं। अरे स्वामी, आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? ए रूपा, पहली बात तो दुनिया रूठ जाए लेकिन तुम ना रूठा करो। हाँ रूपा, क्योंकि अगर तुम रूठ जाती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे बातें बनाने वाली कौन सी बात है भाई? अच्छा बताओ कि बात क्या है। बताओ। हाँ बताओ। और जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी से प्यार है, आपको मुझसे और मुन्नी से प्यार नहीं है। नहीं रूपा, क्या ऐसी बात? बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब कि जितना मुझे अपने ड्यूटी से प्यार है
उतना ना तुमसे प्यार है, ना बेटे से प्यार है, ना घर की परवाह है। हाँ। अरे पागल, मैं ड्यूटी में भले रहता हूँ लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास लगा रहता है। हाँ रूपा सुनो, मैं अपने दिल की बात तुमसे बता रहा हूँ। नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार पे, नेह रहती दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। हाँ रूपा मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, अब कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं। मैं जानती हूँ प्यारनाथ, चलिए सारी बात छोड़िए प्यारनाथ। हाँ बोलो। और गोदी में लेके देखो ये अपना ललन, गोदी में लेके देखो गोदी में लेके देखो ये अपना ललन, मंदिर चलो पहले अकेला निकल के मंदिर चलो, बाद में नाच डाला मेरे सजन, बाद में इसको संभालो। क्यों क्या हुआ? अच्छा प्रियानाथ, सबसे पहले स्नान करिए, हम आज मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ। सुबह 5 बजे नहाने की आदत है और नहाकर, अरे आज डिस्टर्ब ना करो भाई। हाँ? अरे ऐसे कैसे शुरू रहे, दिमाग बढ़ जाता है भैया, आज चुम्मा चाटी सब कुछ हुई। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, जल समार दाल भात तसमार फातिया। छोड़ो रूपा, पहले अपने बेटे को लेकर हम मंदिर पे चलेंगे, नाश्ता पानी बाद में करेंगे। सुनो मेरी बात कि पहले में